आज की रेसिपी में हम बनाएंगे कुंदरू की ग्रेवी वाली सब्जी। वैसे तो लोग कुंदरू की सूखी सब्जी या भुजिया ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन इसकी ग्रेवी वाली सब्जी भी उतनी ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम कुंदरू लिया है और इसे अच्छी तरह से 2-3 पानी से साफ कर लिया है, और अब हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ये दोनों साइड को काट कर हटा लेंगे। उसके बाद आप इसे या तो 2 टुकड़े या 4 टुकड़े काट सकते हैं। तो कुंदरू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसके हम यहाँ पर 4-4 टुकड़े करेंगे। तो इस तरह से कुंदरू को काटना है, नीचे से उसे ज्वाइंट रखना है और ऊपर से कट कर लेना है। तो इसी तरह से सारे कुंदरू को हम काट लेंगे। कुंदरू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है सॉफ्ट होने में, तो इसलिए इसे इस तरह से पतला काटने से ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। तो सारे कुंदरू को हमने काट लिए हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर गैस पर हमने एक पैन लिया है, और पैन अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तो उसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें सारे कुंदरू को डालकर और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम हमने रखा है, मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे और इसको ढक ढक कर फ्राई कर लेंगे, ताकि कुंदरू जो है हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। जब भी कुंदरू का सब्जी बनाएं तो इसे अच्छी तरह से फ्राई करें, क्योंकि कुंदरू जब अच्छे से फ्राई होते हैं तभी इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए कुंदरू को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। तो अभी कुंदरू हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, हमने ढक ढक करके इसे थोड़ी देर पका लिया है। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर लो कर दिया है और सारे कुंदरू को निकाल लेंगे, और फिर इसी पैन में हम इसके लिए मसाले फ्राई कर लेंगे। तो इसी पैन में हम थोड़ा सा और ऑयल डाल लेंगे, और इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून जीरा, और जीरा जब अच्छे से चटकने लगे तो इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डाल लेंगे। यहाँ पर प्याज को हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है। इस सब्जी में अच्छे से प्याज को भूनने से अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर हमने लिया है बारीक कटा हुआ 1 टीस्पून लहसुन, और बारीक कटा हुआ अदरक, और 3 हरी मिर्च को काट कर हमने ले लिया है। इनको भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट को भी अच्छी तरह से 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब इसी में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो हमने मीडियम साइज के 2 टमाटर को बारीक काट लिया है, और इसे भी लहसुन के साथ अच्छे से अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। टमाटर से बहुत अच्छा इसमें ग्रेवी बनता है। और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है हमने, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर नहीं है, यदि आप तीखी वाली लेते हैं तो अपने हिसाब से डालें। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने से मसाले अच्छे से फ्राई होंगे। तो मसालों को हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक कि इससे मसाले से तेल अलग ना होने लगे। इसमें मसालों को अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, तभी सब्जी में अच्छे टेस्ट आएंगे। तो मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसमें तेल सेपरेट होने लगा है, देख सकते हैं आप। तो बस मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसे ढककर
अच्छे से मसाले को पका लेंगे ताकि इसमें जो अदरक लहसुन और प्याज है वो अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो इसे ढककर 2 मिनट हम मसालों को पका लेंगे। तो मसाले अच्छे से पक चुके हैं, इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, या तो आप कोई मैसर की सहायता से या एक कोई चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लें मसाले को, इससे ग्रेवी में अच्छी थिकनेस आएगी। तो मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हम इससे में फ्राई किए हुए कुंदरू को डाल देंगे। तो कुंदरू हमारा करीब करीब 70-80% पका हुआ है, तो इसे अब पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसे भी अब मसाले के साथ थोड़ी देर ढककर पका लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं ताकि कुंदरू अच्छे से पक सके मसालों के साथ, और इसे 2 मिनट ढककर पका लेंगे, 2 से 3 मिनट तक, ताकि कुंदरू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो ये कुंदरू हमारा अच्छे से पक चुका है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसे थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर देंगे। यहाँ पर आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और अब हमारा ये कुंदरू की ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार है। तो बहुत ही टेस्टी बना है ये सब्जी, आप इसे पराठा के साथ, चावल के साथ, पूरी के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ये सब्जी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर सजेशन दें, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई